इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 में काम करने वाली तमाम लड़कियों ने रोड पर किया धरना प्रदर्शन, देखिए। हम में से 20 लड़कियों का ऑफर लेटर अभी रेडी करिए और क्लियर करिए कि हमारी सैलरी 18,000 हो रही है। हम मैं आपको कह रही हूँ मेरी सारी लड़कियाँ लॉगिन करेंगी, सब लॉगिन करेंगी, मैं बोल रही हूँ। 4 साल से 12,000 में काम करें, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है हमारी सैलरी 18,000 की जाए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है तो आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के हेडक्वार्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली तमाम लड़कियां हैं, उन्होंने आखिरकार अपने गुस्से को इस कदर प्रदर्शन में तब्दील किया कि उन्होंने सुबह से लेकर रात तक अपने सैलरी को लेकर अड़े रही और कहा कि उनकी सैलरी 4 सालों से 12,000 रुपये के आसपास है तो उस सैलरी को बढ़ाकर 18,000 कर देना चाहिए। और जो 4 साल से तमाम एम्प्लॉय काम कर रहे उन्हें सैलरी स्लिप भी नहीं मिलता तो वो सैलरी स्लिप भी दिया जाए। अब ये तमाम मामलात को लेकर जो डायल 112 में काम करने वाली तमाम जो लड़कियां हैं उन्होंने बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम हर्षिता है, मैं यहाँ की 4 साल से एम्प्लॉय, हम लोग की सैलरी नहीं बढ़ा। आज बेटा 112 के बाद धरने बैठी, क्यों बैठी, क्या है? क्योंकि हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही। ऑफर लेटर नहीं दिया, ऑफर लेटर नहीं दिया। हमारी सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग 4 साल से 12,000 में काम करें, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है हमारी सैलरी 18,000 की जाए। ऑफर लेटर दिया जाए, ऑफर लेटर दिया। दिवाली से पहले से हमारी बस डिमांड है। कब से नौकरी कर रही हूं, ऑफर लेटर 4 साल से बैठे अभी तक ऑफर लेटर नहीं मिला। ऑफर लेटर अभी कंपनी ने नहीं दिया है हमें ऑफर लेटर। अब फ्री में हमसे काम 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं, 4 दिन से हम लोग फ्री में काम। अब हमें अब सैलरी चाहिए। क्या काम करती थी तुम? हम लोग यहाँ पे हमारा मेन काम है यहाँ पे जो लोग कॉल करते पुलिस की हेल्प के लिए, हम लोग वो इवेंट क्रिएट करते तब पुलिस वहाँ जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे ना रहे तो कोई इवेंट क्रिएट नहीं होगा। आज ये सर्वर बैठा हुआ है कि काम चल रहा है? सर्वर बैठा हुआ है। सुबह कितने घंटे से? सुबह हम लोग 9 घंटे काम करते, हमारी सैलरी अब तक नहीं बढ़ी है। यूपी में अभी तक कितने जिले जो 100 नंबर? 75 जिले सब हैंडल करते। सीएम के बाहर सीएम हेल्पलाइन 1090, 181, साइबर क्राइम, मेडिकल, सोशल मीडिया सब हैंडल करते हैं। जब री एम्प्लॉयमेंट का मेल एक दिन सर कोई कोई ऐसा नहीं होता, फॉर्मेट होता है, हम सब पढ़े लिखे, कोई गवाह नहीं, हमें जिम्मत लेके फॉर्मेट होता है। एक फॉर्मेट होता है ना, डेली अटेंडेंस बनती है ना 650 लोगों की, एक फॉर्मेट में सबका नाम लिखिए। आपको अगर डाउट है, हम में से 20 लड़कियों का ऑफर लेटर अभी रेडी करिए और क्लियर करिए कि हमारी सैलरी 18,000 हो रही है। हम मैं आपको कह रही हूँ मेरी सारी लड़कियाँ लॉगिन करेंगी, सब लॉगिन करेंगी, मैं बोल रही हूँ। आपकी एक शिफ्ट होती है ना, आप सुबह 8 बजे आती है, शाम को 4 बजे जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, चाहे डायल 112 के हों, चाहे हमारे पुलिस हेडक्वार्टर के हों, सभी लोग सुनने को तैयार हैं, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया। एक आपसे मेरा निवेदन रहेगा, ऐसी कोई भी चीज जिसमें वित्तीय निर्णय इन्वॉल्व होता है, जैसा कि अभी आपने बताया एक बहन ने यहाँ कि सैलरी जो है बहुत समय से बढ़ी नहीं है, इसको बढ़ना चाहिए। आप भी समझ वो मैं समझ गया, आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन बिना निगोशिएशन के और बिना सक्षम स्तर से संवाद किए ये समस्या का निराकरण नहीं होता है। आपसे मेरा अनुरोध है, अपना एक डेलीगेशन बनाइए, कभी भी कोई भी समस्या, आप देखिए पुलिस से आप भी लोग जुड़े हुए हैं 7 साल से, आप लोग कोई हमसे अलग नहीं है, आपने पुलिस की कार्यशैली भी देखी होगी, तमाम धरने प्रदर्शन, तमाम जायज बातें सब एक स्तर पे मानी जाती हैं, लेकिन उसका तरीका होता है। कोई भी जायज बात नाजायज तरीके से मनवाई नहीं जा सकती, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप सभी बच्चियाँ हैं, आप इस प्रक्रिया में आइए, अपना डेलीगेशन बनाइए, फॉर्मल एक लेटर जिसपे आपके बिंदुवार प्रस्ताव हो उसको लिखिए, आप सुनिए 112 के जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उनके साथ बैठिए, हम साथ में चलेंगे, या पुलिस हेडक्वार्टर में, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, SDG LO सर से भी मैंने बात की, आप सभी समझ रहे हैं। देखिए
अभी आप में से एक दो लोग लगातार जब मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं लगातार कहे जा रही है, संवाद तोड़ना कोई हल नहीं होता है। हम आए हैं क्योंकि हम संवाद करना चाहते हैं, हम आए हैं क्योंकि हम समाधान निकालना चाहते हैं। और जो लोग आपके बीच से नहीं नहीं नकारात्मक बात कर रहे हैं लगातार, आप भी समझिए अगर समाधान चाहिए तो आपको भी संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, टेबल पे बैठकर बात करनी पड़ेगी, अपनी बात सामने वाले को समझानी पड़ेगी। पुलिस मुख्यालय स्तर से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, SDG एलओ सर से भी आपको मैं मिलने का कल ही समय दिलाऊंगा, बहुत समय भी नहीं मिलता। हमारे साथ चलिए, आपका डेलीगेशन हम आपकी तरफ से चलते हैं, आप अपनी बात रखिए। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।